हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। और ये वीडियो तो वैसे कल का है, सैटरडे के दिन का, दोपहर से मैं शुरू की थी। तो आज है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज भी मैं वीडियो बनाई हूँ, मगर वो तो लेट जाएगा, कल परसों तक जाएगा, इसीलिए मैं आज ही, और आज 15 अगस्त है इसीलिए मैं बोल देने लगी। देखिए घर कैसे फैला हुआ है। मैं अलमारी पे, जो आप लोगों से पहले ही बताई थी, 4-5 दिन पहले बताई थी, एक वीडियो में अपलोड की थी, आधा अधूरा पड़ा हुआ था, तो उसी को मैं पूरा की हूँ। पूरा रेत यहाँ पे झड़ता था ना, इसलिए मैं चिपका दी हूँ, तो अब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। मगर थोड़ा सा और करना है, वहाँ जो छोटी सी सेल्फ है उसके ऊपर अधूरा पड़ा हुआ, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए अलमारी भी पूरा सेट हो चुका है। तो दोपहर के टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो जो भी घर का काम रहता है वो कर लेती हूँ। और ये कुछ किचन का ही कुछ सामान है जो कि एक्स्ट्रा है, मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो किचन काफ़ी छोटी है इसीलिए मैं अंदर वाले कमरे में ही रख दे रही हूँ। और आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करनी थी, अरवी के पत्ते की सब्जी की रेसिपी, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी तक कभी शेयर नहीं की हूँ। और ये देखिए इस पत्ते तो मतलब पहले से रखे थे ना, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, खूब ताज़ा पत्ता नहीं है। और इसको मैं एक एक करके धो लूँगी। ऐसे तो धोते समय इसका, जब इसके ऊपर पानी गिरता है तो पानी इसके ऊपर नहीं टिकता है, आप लोग खुद ही देखिएगा, एक बिल्कुल भी पानी नहीं लगता है। मगर फिर भी इसको अच्छे से एक बार धोना ज़रूरी है, अच्छे से धो करके, और इसका पानी निकालने के लिए रख देंगे थोड़ी देर पहले। और पहले से ही मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो उसके लिए भी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार है। और ये राई का पेस्ट है, जो पीला वाला राई होता है सरसों उसका। और 2 टमाटर मैं काट कर रख ली थी, और प्याज काट करके, सारा तैयारी हो चुका है। और ये देखिए आमचूर पाउडर है, जो कि 2-3 महीना हो गया था रखे हुए, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे छानना था, तो चाहे छन्नी में ही मैं छान ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी इसका मोटा सा बुरादा हो वो बारीक वाला निकल जाए और मोटा वाला छन के ऊपर ही रह जाए, इसलिए मैं छान ले रही हूँ। वैसे तो इसकी सब्जी अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, अलग अलग नाम भी देते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है बेसन के घोल में। तो मैं बेसन का घोल बना करके और उसी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसन ले ली हूँ जितना मुझे बनाना है, और उसी के अनुसार उसमें आमचूर पाउडर डाल दी हूँ 1 बड़ा चम्मच से, और हल्दी का पाउडर है 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 छोटी चम्मच, और इसी में जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। हम जब बनाएंगे तभी हमें पता चल जाता है कितना हमें क्या क्या डालना है, जितना हमारे पास पत्ता है उसी के अनुसार हम सामग्री भी इसमें डाल लेंगे। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स लेंगे, कर लेंगे, एक ही बार पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें उल्टी हो जाएगा और अच्छे से घोल भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ठीक ही रखना है, गाढ़ा रखेंगे ताकि पत्ते पे अच्छे से कोट हो जाए। अगर हम पतला कर देंगे तो पत्ते पे नहीं लग पाएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की घंटी को क्लिक कर दीजिए, और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन दबा करके, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाएगा, और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। और ये देखिए अरवी के पत्ते, और तो मैं साफ़ कर दी थी, इसमें ना एक रेशा जैसा निकलता है उसको हटाना ज़रूरी होता है, तो ये साफ़ किया हुआ था पहले से ही, कोई कोई छूट गया था 1-2, तो उसी को मैं चाकू की मदद से बस हल्का सा कट लगाना है और ऐसे करके निकाल देना है, खींच देंगे तो आराम से निकल जाएगा। और नीचे के लिए सबसे बड़ा वाला पत्ता ले लेना है, मैं यहाँ पे थाली ले ली हूँ उसको पलट करके, जो मेरे घर में सबसे बड़ी वाली थाली थी उसको, आपके पास चॉपिंग बोर्ड है तो उसी पे कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं थाली की मदद से कर ले रही हूँ। और नीचे वाला जो पत्ता हो वो बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला, और उस नीचे वाले पत्ते में थोड़ा कम ही बेसन लगाएंगे ताकि उसमें सपोर्ट का काम करे, अगर ज़्यादा बेसन लगा देंगे तो वो फटने की संभावना हो जाती है। और अब उसके ऊपर फिर छोटे छोटे पत्ते इसी तरीके से साइड में, कभी इधर साइड उधर साइड करके लगाते जाएंगे, और बेसन को अच्छे से इस पर कोट करते जाएंगे। और हमें मतलब ना तो इसको खूब ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला, तो एक बार में 7 से 8 ही पत्ते या 9 पत्ते तक भी कर सकते, जैसे काफ़ी छोटे छोटे पत्ते हैं तो 10-15 भी लग जाएंगे, 20 भी लग जाएंगे, तो उसी अनुसार आप देख लीजिएगा। और इसको पैक कैसे करना है वो भी देख लीजिए, ताकि पानी अंदर नहीं घुसे, तो दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले, और उस पर भी बेसन लगा लेंगे,
और फिर इसको इस तरीके से भी बेसन लगा देंगे, इस तरफ से भी और इस तरीके से हल्के हाथ से इसको रोल करते जाएंगे दबाते हुए, और इसी तरीके से लपेट करके एकदम अच्छे से इसको पैक कर देंगे ताकि इसमें पानी ना जाए। पानी अगर चला जाएगा तो स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। और आमचूर पाउडर इसमें डालना ज़रूरी होता है जब हम बेसन का घोल बनाते हैं तभी, क्योंकि ये गला काटता है थोड़ा, मतलब गले में खुजली होता है, इसी वजह से आमचूर पाउडर ज़रूर डालिए। अगर आपके पास फ्रेश आम है तो वो भी डाल दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो दो नींबू, कागजी नींबू जो होता है उसका रस निकाल करके डाल सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो घर में हमारे जो अचार रहता है उसको पीस करके उसका पेस्ट बना करके वो भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर बाकी के पत्तों को भी मैं बना करके यहाँ पे तैयार करके रख दूँगी, और पहले ही मैं चूल्हे पे कढ़ाई भी चढ़ा दी उसमें पानी करके, ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें और अच्छी बात है, जैसे पानी में तो थोड़ा बहुत बेसन निकल भी जाता है, उबलता है तब, ऐसे नहीं निकलेगा स्टीमर में, स्टीम कर लीजिए। और कढ़ाई में देखिए पानी भी एकदम अच्छे से खौल गया, बस सिंपल पानी है, इसमें नमक उमक कुछ भी नहीं डला है, और रख देंगे इसी में डाल देंगे और एकदम खौलते पानी में 10 से 15 मिनट के लिए इसको उबाल देंगे। और एक बार बीच में चेक भी कर लेंगे, चेक करने के लिए या तो आप टूथपिक ले लें उसकी मदद से, मेरे पास नहीं है तो मैं चाकू को इसमें डाल करके देख लूँ, अभी थोड़ा सा गीला है तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। अगर ये खूब अच्छे से जब पक जाएगा तो चाकू में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और गरम गरम जब है तभी इसमें से धागा निकाल लीजिए, धागे से मैं बांधी थी ताकि इसमें से जो बेसन है वो निकले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए, और धागा निकाल लीजिएगा। और काटने के लिए थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिएगा, मैं तो गरम गरम ही काटी थी क्योंकि मेरे पास समय कम था, खाना बनाना था, रात के शाम टाइम में मैं वीडियो बनाई थी, लेट हो गया था काफ़ी, इस वजह से मैं गरम गरम ही काट दे रही हूँ, हाथ भी जल रहा था, तो जितना मुझे तलने के लिए ज़रूरी था एक बार में उतना ही मैं काट रही हूँ, और उसके बाद छोड़ दूँगी ताकि तब तक ठंडा हो जाएगा और तब तक ये वाला फ्राई हो जाएगा। फ्राई करने के लिए मैं तवे पे इसको फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में, आप चाहें तो उसको कढ़ाई में तल भी सकते हैं, जिस तरीके से हम पकौड़ियाँ तलते हैं उस तरीके से, और इसको खास करके सरसों के तेल में ही पकाइएगा, सरसों के तेल में अच्छा टेस्ट आएगा, और तवे पे भी खूब अच्छे से फ्राई हो जाता है, कम ही तेल में, ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा इसमें। और उलट के पलट के इसको अच्छे से पका लीजिएगा, एकदम खूब अच्छे से कुरकुरे करके फ्राई कीजिएगा, तेज आंच को कभी तेज कभी कम करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं ताकि जले भी नहीं। और एक तरफ मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ इसके लिए ग्रेवी तैयार करने के लिए, और उसमें भी सरसों का तेल डाल दी हूँ। सरसों का तेल जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें अब देखिए मैं राई डाल दे रही हूँ, सरसों के दाने, और जब सरसों के दाने अच्छे से तड़क जाएंगे उसके बाद इसमें 2 तेज़पत्ता मैं डाल दूँगी, और तेज़पत्ता भी जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें प्याज बारीक जो काट करके रखा है वो प्याज डाल दूँगी। तो गाइस जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और जितने भी रिलेटिव हैं जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ठंडा होने के बाद कितने अच्छे से कट कर तैयार हुआ है, एकदम लेयर भी इसका दिखाई दे रहा है, और बेसन भी अच्छे से इसमें लेयर, हर लेयर पे लगा हुआ है। और एक बार का जो फ्राई हो गया था उसको मैं निकाल ली हूँ, और देखिए उसी में तेल इतना बचा हुआ है तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी, अगर मुझे फिर लगेगा कि तेल कम पड़ रहा है तो फिर बाद में तेल ऊपर से डाल सकते हैं। और प्याज भी आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में अच्छे से ही फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, और पेस्ट डालने के बाद ही पेस्ट को भी 1 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन का, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और भूनने के बाद अब इसमें मैं सिंपल से मसाले डालूंगी, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिए का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच जीरे का पाउडर। और उसके बाद जो टमाटर काट करके 2 रखा हुआ है मीडियम साइज़ का वो डाल देंगे। टमाटर ग्रेवी अगर बनाए तो टमाटर ज़रूर डालें, उससे खुजली नहीं होता है, टमाटर में खट्टापन होता है इस वजह से। और जो राई का पेस्ट बनाकर रखे थे 2 चम्मच के करीब राई का पेस्ट मैं बनाई थी तो वो भी डाल दूंगी, और सारे को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, वैसे तो जो पत्ते का रोल करके बनाए हैं उसको उसी में नमक डला हुआ है, तो ये ग्रेवी के लिए नमक जा रहा है तो आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और ये देखिए फ्राई होने के बाद कितना सुंदर इसका कलर आया है, और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
गाइस जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई डाटा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, एक रुपया नहीं लगने वाला है, फ्री में मेरी मदद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। और ये देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कलर भी अच्छा आया है। आप इसमें चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं अच्छा कलर के लिए, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ, इसी तरीके से बना रही हूँ। और अब इसमें पानी डाल देंगे, जितना हमें ग्रेवी में रखना है उसके अनुसार ही पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब हमें पत्ते की पकौड़ी उसमें डालेंगे तो और पानी सूख जाता है उसमें। तो दो पकौड़ी में रख करके और फिर बाकी का सारा डाल दूंगी। और अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है, कुछ लोग इसको पतौड़ा बोलते हैं, कुछ लोग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बस इसको यही बोलते हैं कि कोपल की सब्जी, कोपल के पत्ते की, कोपल जो एकदम बारीक वाला जो पत्ता आता है ना, एकदम जैसे कि बेबी पत्ता होता है वो वाला, उसी को कोपल बोलते हैं। और ये देखिए सब्जी और चावल बन के तैयार हो गया है, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस।